हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है प्लस वन का, लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहेंगे आज हम। और इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है और एनसीईआरटी को रीड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी ईट पोटेटेड प्लांट्स, insects, birds, your pets or animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range variety of organism that you see increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of a living organism in it. Each different kind of plant, animal and organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 million to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and the types of organism present on earth. We should remember here that we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. इसमें यह लिखा है कि जो हम आसपास अपने बर्ड्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, इंसेक्ट्स देख रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, इसमें लिखा है यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं अभी भी। उसके बाद लिखा है कि इनने 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो अपन को पता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करें फॉरेस्ट को, तो उतनी हमें न्यू वेराइटी मिलती है ऑर्गेनिज्म की। हैज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। यानी कि जो हम यहाँ पर बात करते हैं किसी चीज़ को, किसी और नाम से बुलाते हैं, किसी दूसरे प्रांत में जाए अपने इंडिया में ही तो दूसरे नाम से बुलाते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other, to refer the organism we are talking about. Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is now by the same name all over the world. The phenomena is called a nomenclature. यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी एक प्लांट को पर्टिकुलर नाम से ही बुलाया जाए और दूसरा नाम अलग अलग शहर में अलग अलग उसके हिसाब से नाम ना बदले जाएं, तो इस चीज़ को नोमेनक्लेचर बनाया एक। ओबियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नाउ टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नाउ ऑर्गेनिज्म। This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on the agreed principles and the criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). You may ask, how are animals named? Animals taxonomic have evolved International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). दोनों के लिए दो nomenclatures बनाए। The scientific names ensure that each organism has only one name. हर एक जानवर का सिर्फ एक नेम होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ अ टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक हैबिटेट। This system of providing a name with the two components is called the binomial nomenclature. This naming system is given by Carlos Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientist name of mango is written as a Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. It is the name Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. Biological names are generally in Latin and written in italics, यानी कि लेटिन में लिखेंगे या फिर इटैलिक्स में लिखेंगे जो इनकी राइटिंग है, फॉन्ट है,
उसके बाद दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीसीज। यानी कि जो मेंजीफेरा इंडिका, इसमें जो मेंजीफेरा है वो जेनेरा बता रहा है और जो इंडिका है वो इसकी स्पीसीज बता रही है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन। अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें वर्ड को, और अगर प्रिंटेड कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखें ताकि पता चले कि ये इसका ओरिजिन इटैलिक्स है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं कि एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं नीट में। तो इसने दिया कि पहला जो जेनेरा का नाम है वो कैपिटल एम से स्टार्ट है, मेंजीफेरा इंडिका, और इंडिका जो स्पीसीज है उसका आई स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो ये इसके रूल्स हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। मैग्नीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। बाद में लिखा है कि जो नाम के बाद है ऑथर का नाम आना चाहिए, जैसे लिन लिखा है, इसका मतलब यह है कि लिनियस ने इसकी डिस्कवरी की है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. यानी कि फिर इन सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा confusion create हो रही थी, तो फिर इसको classify किया, different चीज़ों के basis पे इसको classify किया और एक हमने taxonomic category बनाई जिनके basis पे हमने इसको divide किया। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of all sentience be now that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and a body hairs. जो mammals के features होते हैं कि external ears होंगे और body पर hair होंगे। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. यानी कि हम गेहूं के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर आता है गेहूं का, क्योंकि हमें पता है गेहूं की पिक्चर कैसी होती है। और आगे लिखा है hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, एनिमल सिटीज आर कन्वीनियंट कैटेगरीज बी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज अ टैक्सा। जो हमने बनाए जैसे जेनरा है, स्पीसीज है, या फिर ऑर्डर है, या फिर किंगडम है, इनको हम बोलते हैं टैक्सा। तो इसको बोलते हैं पूरे को टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल्स। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and a mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at a different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomical studies. तो इनने अलग अलग बेसिस पर, इंटरनल स्ट्रक्चर पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर, साइंटिस्ट ने इन सारे ही ऑर्गेनिज्म को एक अरेंजमेंट में अरेंज किया, जिसको हम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले हमने उनके कैरेक्टर देखे, आइडेंटिफाई किया और उनको क्लासीफाई किया और उनको अलग अलग डिफरेंट नाम दे दिया। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज इन अर्ली डेज।
ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग शेल्टर हैंस द अर्लियर क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम यानी कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं डिफरेंट एनिमल्स को जानने में और उनके बीच की रिलेशनशिप क्या यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज अ सिस्टमेटिक्स द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर हैज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स